दोस्तों जैसे कि आपको पता है रूस और यूक्रेन के बीच अभी जंग चल रहा है, ठीक है। और पीओके के मामले में यहाँ पर अभी बहुत सारे हमारे भारत के जो जनता है वो हमारे मतलब बोल रहे पीओके पर अभी कब्जा करने का सही तरीका है, क्या सही तरीका है या उसके बाद एक तो जो कश्मीर फाइल एक मूवी आया होगा सुने होंगे नाम, ठीक है। अभी वो इंडिया में लॉन्च नहीं होगा, लॉन्च होने ही वाला ये तो। और मतलब जो लाखों पंडितों को मतलब कत्ल किया गया सरेआम, उनको उनके बारे में वहाँ पर मतलब बताया गया है एकदम अच्छे, जो पूरा मतलब खोल कर रख दिया है उसके। यहीं पर पूरा भारतीय जनता मतलब भारतीय का जो जनता है वो यही बात बोल रहा है पीओके अभी यहाँ पर यूक्रेन और रूस यहाँ पर बजे हुए हैं और आप पीओके पर कब्जा कर लीजिए। और क्या पाकिस्तान पर एक मतलब मिसाइल हमला किया है भारत, ठीक है, तो क्या कोई बड़ा हमला कर सकता है जिससे कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो कुछ बड़ा करने वाले हैं, तो ये कुछ बड़ा करने वाले हैं। प्लीज़ अपनी राय है ना नीचे कमेंट में ज़रूर बता दें और चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद एक और बहुत बड़े हम जो फ़ायदा है वो बता रहे हैं इस लड़ाई के बीच में। सभी देश को मतलब घाटा है और भारत को भी बहुत बड़ा घाटा आने वाला है, लेकिन इसमें से एक बहुत ज़रूरी एक फ़ायदा आ रहा है। ये फ़ायदा यही है मतलब अभी जो कच्चे जो तेल है जो भारत में सप्लाई हो रहा है उसमें 27% डिस्काउंट आ रहा है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बताऊँ 27% डिस्काउंट, और ऐसे मौका भारत को मिस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भारत अभी है ना तेल का मामले में उनको खरीदे और बहुत जल्दी भारत में जो है वो कच्चे तेल जो है उसका मतलब जो बजट है वो बहुत जल्दी लो होने वाला है। ये थी हमारी आज का जो वीडियो और ये हमारे नए स्टूडियो है। कैसा लगा स्टूडियो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब लाइक और सारी कुछ कर दीजिए। बस मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।